जब मम्मी और विकास जी ये बोलेंगे कि मेरा और मेरे बच्चों का भी हक है, तब मैं इस रिश्ते में रहूंगी, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस रिश्ते में रहना चाहती। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे मेरे बच्चों के साथ में जीने दे, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। विकास जी के साथ इस रिश्ते में आई हूँ तो हम दोनों की मर्जी से, और अगर तुमको दिक्कत थी तो 10 साल भी कोई कम नहीं होते, तब भी तुम कुछ ना कुछ बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। तो फाइनली सोनू के बातों का दिया पिंकी ने जवाब। पिंकी का कहना था, जब 10 साल पहले मैं आई थी तब तुमने ये मुद्दा क्यों खड़ा नहीं किया? यहाँ पे पिंकी के बच्चों को हक भी मिलना जरूरी, क्योंकि वहीं पे क्योंकि विकास के ही दोनों बच्चे हैं तो पिंकी के भी बच्चों का हक तो माना ही जाएगा। लेकिन शायद यहाँ पिंकी के घर वाले और जो विकास के घर वाले हैं मतलब ससुराल, वो लोग हक देने से मना कर रहे हैं, जिस पे ये सारा बवाल हुआ है।